हे गाइस, वेलकम टू अवर वीडियो ऑफ टेक विद शिवांग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा एक्सपो इंस्टॉलर इंस्टॉल करने का, जिससे कि आप अपने कोई से भी एंड्रॉइड में एक्सपोज इंस्टॉलर कम्प्लीटली और वो भी अच्छी तरह से इंस्टॉल कर पाएंगे बिना किसी इश्यू के। सो गाइस, ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे नई नई वीडियोस लेकर आता रहूंगा जिससे कि आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो गाइस, ये वीडियो ऐसी एक और वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन उसमें उसका क्वालिटी और कुछ बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ थी और उसमें मैंने ज़्यादा क्लियरली भी नहीं बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अब करना क्या है, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एक्सपो इंस्टॉलर के ऐप की और फ्रेमवर्क की, तो आपको दोनों चीज़ें डाउनलोड करने नहीं है। तो मैं आपको पहले बताऊं, आप फ्रेमवर्क वाले लिंक पर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा सामने आएगा जो एक्सडी डेवलपर्स की है, तो घबराइए मत, बिल्कुल ऑफिशियल है एक्सडी की। तो मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ पे चार चीज़ें दिख रही होंगी, तो अनइंस्टॉलर हम हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें इंस्टॉल करना है। तो एसडी के 21 का मतलब है 5.0 लॉलीपॉप, एसडी के 22 5.1 लॉलीपॉप और एसडी के 23 मार्शमेलो। तो अभी नौगट के लिए ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ये कुछ टाइम में नौगट के लिए अभी अवेलेबल हो जाएगा, वो भी डेवलपर उसको बना रहे हैं कम्प्लीटली यूज़ के लिए। तो आपका जो भी यूज़र हैं मार्शमेलो लॉलीपॉप, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा है अभी एसडीके 22, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एसडीके 22 पर, तो आपके सामने कुछ ऐसी और चीज़ें आएंगी, आर्म 64, आर्म 86। तो आपको इसको पता करने के लिए एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है xposed, प्ले स्टोर बिल्कुल फ्री, आप इसे जाकर डाउनलोड कर। आपको एक और जगह से बता दूं, एक्सपो इंस्टॉल आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, पहले आप इसको ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तो इसमें भी आपका नीचे आप देख सकते हैं, नीचे शो हो जाएगा आर्म, जैसे कि मेरा सिंपल आर्म है। अगर आपका 86 होगा तो 86 लिखा जाएगा, अगर 64 होगा तो आपके में 64 आ जाएगा। तो मेरा आर्म है, यहाँ से पता कर सकते हैं आप, या फिर आप xposed डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से जो भी आपका है वो जाके उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मेरा आम है सिंपली, तो इधर आपको बहुत सारे zip फाइल्स मिल जाएंगे, आपको zip फाइल डाउनलोड करनी, ASCII नहीं करनी, .ASCII वाली आपको नहीं करनी, तो आप सबसे लेटेस्ट वाली जाकर डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि है एक्सपो 87, तो आप ये आगे डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के बाद मैं आपको आई की प्रोसेस बताता हूँ। तो आप जैसे ही इसे डाउनलोड कर लेंगे, अब आपको करना क्या है, आपको अपने रिकवरी में बूट होना है। रिकवरी में बूट करने के लिए आपको अपना पहले फ़ोन स्विच ऑफ करना होगा, तो चलिए मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता हूँ। तो एक्सपो इंस्टॉल करिए, अगर आपको पता ही होगा, अगर आप ये इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका फ़ोन रूट होना चाहिए और आपके में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए। तो रिकवरी में आपको बताऊँ, अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आप TWRP इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उसका इंटरफेस काफ़ी ईजी है और इंस्टॉल करने में आसान है। तो मेरा फ़ोन अभी रिस्टार्ट हो स्विच ऑफ हो चुका है, तो अब मैं जाता हूँ अपने रिकवरी मोड में। तो मैं जाऊँगा वॉल्यूम अप, पावर और होम बटन को एक संग प्रेस करके। ये रिकवरी का साइन आ जाता है, तो देखिए मेरे में जैसे कि TWRP इंस्टॉल है। तो आपको अब करना क्या है, आपको इंस्टॉल पे जाना है और जहाँ भी आपने अपनी एक्सपोज फ्रेमवर्क की फाइल रख रखी है .zip वाली, उसको आपको सर्च करना है। तो मेरी है सिंपली एक्सपोज में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मेरी ये कस्टम बिल्ड है जो कि वैनम ने बनाया। अगर आप ये भी डाउनलोड करना चाहें तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप 87 भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें अभी वैनम वाली डाउनलोड करूंगा, वो इंस्टॉल करूंगा, तो मेरे को अभी सिंपली इस पर क्लिक करना है। 87.1 है, थोड़ी उससे लेटेस्ट है, तो मैं कर दूंगा इसको सिंपली टू स्वाइप। तो ये कुछ सेकंड्स लेगी, उसके बाद आपके में ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगी। तो गाइस देखिए, जैसे डन लिखा आ चुका है और ऊपर आप देख सकते हैं सक्सेसफुल। आप ये मेरे में छोड़ दो, ये आपके में नहीं आएगा, ये मेरे में कुछ इश्यू हो गया था कार्ली नेट एंटर का, उसकी वजह से आ रहा, आपके में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं सक्सेसफुल लिखा आ चुका है, तो मतलब आपके में क्लियरली इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप बैक करके रिबूट टू सिस्टम चले जाइए। तो गाइस ये थोड़ा बूट लूप भी हो सकता है, मतलब बार बार स्टार्ट होगा आपका एंड्रॉयड, तो आप घबराइएगा मत, आप अपनी बैटरी मत निकाल दीजिएगा, वरना आप घबरा कर पैनिक होकर इसकी बैटरी निकालते हैं। ये ऐसा नॉर्मल है, और खासकर आपका अगर सैमसंग का डिवाइस है तो ये थोड़ा बूट लूप होगा या फिर बूटिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लेगा, तो आप उससे बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल पैनिक ना होएं, ये अपने आप थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा।
तो चलिए हम इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये थोड़ा तो टाइम लेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, जब आप एक्सपो इंस्टॉल इंस्टॉल करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेता है, तो उससे बिल्कुल घबराए ना। तो चलिए मैं इस वीडियो को जब तक स्किप करता हूँ जब तक ये बूट होता है, वरना तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो भाई तब तक स्किप कर देता हूँ मैं पार्ट। तो गाइस मेरा एंड्रॉइड ऑन तो हो चुका है, पर ये अभी कुछ ऐप्स ऑप्टिमाइजिंग कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये अच्छा साइन है कि हमारा एंड्रॉइड स्टार्ट हो चुका है बिना किसी इशू के। तो चलिए इसको ऑप्टिमाइज होने दें, तब तक मैं इसको भी स्किप करता हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा टाइम ले सकता है। तो गाइस मेरा फोन अब बूट हो चुका है, तो चलिए हम चल के एक बार चेक कर लेते हैं एक्सपोज्ड में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है, मतलब हमारे में ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। या थोड़ा रेड एरर देख रहे हैं, ये सैमसंग के टच विद रोम्स में होती है, तो ये थोड़ी इसमें प्रॉब्लम देती है। अगर आप और कोई रोम यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, अगर आप सैमसंग की भी रोम यूज़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका हल निकाल लूँगा, इसका भी एक मॉड्यूल आता है इसको सॉल्व करने का। तो गाइस इस तरीके से आप अपने में एक्सपो इंस्टॉलर इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर आप अपने कोई से भी मॉड्यूल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई सा भी अपने फ़ोन में ट्विक्स कर सकते हैं और अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इसकी टॉप 5 मॉड्यूल्स जल्दी ही लाने वाला हूँ, इसकी एक सीरीज़ मैं बनाऊँगा, तो उसमें मैं बहुत बेहतरीन मॉड्यूल्स लाया करूँगा, बहुत अच्छे अच्छे छाँट छाँट के, इसमें तो हज़ारों हैं। तो आपको ऐसे कैसे पता चलेगा, तो मैं आपके लिए काम कर दूँगा, मैं अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स आपके लिए छाँट के लाऊँगा। तो गाइस इस तरीके से आप अपने में एक्सपो इंस्टॉलर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इशू के। तो मैंने आपको पूरी यूनिवर्सल गाइड बताई है, फुल गाइड बताई है, इससे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा इस ट्रिक को यूज़ करके। तो आप मेरे बस स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपको कुछ नहीं करना है, और ये आपके सब एंड्रॉइड में वर्क करेगा। बात रही नौगट के लिए, तो नौगट के लिए जैसे ही रिलीज होगा तो मैं आपको वो भी करके बता दूंगा, अपना फ़ोन नौगट में नौगट रोम इंस्टॉल करके फिर मैं आपको नौगट के एक्सपो इंस्टॉलर इंस्टॉल करके बता दूंगा। तो तब तक के लिए तो हम यही यूज़ कर लेते हैं। सो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो यार इसे लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसा कि मैंने बोला, मैं ऐसी नई नई वीडियोस लेकर आता रहूँगा, इंटरेस्टिंग आपको पूरे इन्फॉर्मेशन देते रहा करूँगा टेक के, और जो भी मेरे को आता है मैं आपको सब आपके संग शेयर करूँगा। सो थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।